हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डीआई जी अशोक गुप्ता 3 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे पाली। अनेक थानों और पुलिस कंट्रोल रूम एसपी कार्यालय का किया निरीक्षण। डीआईजी अशोक गुप्ता जिले के 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को पाली पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न शाखाओं के 7 अधिकारियों के कक्षों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईजी अशोक गुप्ता के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर पुलिस लाइन के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुलिस के अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद डीआईजी गुप्ता ने कार्यालय की विशेष शाखा, डीएसपी शाखा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कक्ष, सीओ सिटी व ग्रामीण कार्यालय सहित परिवादी कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान परिवादी कक्ष में पहुंचे एक परिवादी परिवार से भी मुलाकात की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह, सीओ सिटी निशांत भारद्वाज सहित कई पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। एक थाने का कल मैंने इंस्पेक्शन किया, आज एसपी ऑफिस का इंस्पेक्शन है, फिर शाम को क्राइम मीटिंग है, कल पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन है और फिर एक डिप्टी ऑफिस का इंस्पेक्शन। इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम है, कोई कमी ढूंढने वाला विषय इसमें नहीं रहता। ये केवल इसलिए निरीक्षण किए जाते हैं ताकि एक नयापन लगे, नई ऊर्जा का संचार हो। जैसे अब मुझे एसपी साहब ने बताया कि चूंकि मेरा इंस्पेक्शन था तो जैसे रिनोवेशन किया है ऑफिस का, मैं कल फालना थाने पे गया, वहाँ भी बहुत अच्छा साफ सफाई, रिकॉर्ड को अपडेशन, तो ये सारी चीज़ें निरीक्षण की वजह से होती हैं और पुलिस के काम में निश्चित रूप से इससे एक सुधार दृष्टिकोण से होता है। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।